हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है कुकरी किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा आसान पास्ता की रेसिपी, जिसे बच्चे और बड़े दोनों पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मसाला पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी गर्म करेंगे, तो मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। पानी को हाई फ्लेम पे हमें उबालना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पास्ता। आप एल्बो पास्ता या पैने पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ता को मैंने अच्छे से पका लिया है। पास्ता 80% तक कुक हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और मैंने इसे एक स्ट्रेनर में निकाल दिया है और जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब इसकी हम सब्जियां देख लेते हैं, हम इसमें क्या क्या सब्जियां डाल रहे हैं। तो मैं डाल रही हूँ 1/2 कप स्वीट कॉर्न, 7 से 8 मैंने बीन्स ली हैं, 1 प्याज लिया है और 1 शिमला मिर्च ली है और इसके साथ साथ मैंने 1 गाजर ली है, सभी को मैंने बारीक काटा है। और मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं बड़े, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए पास्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे प्याज। मैंने तेल को इसीलिए इस तरीके से फैलाया था ताकि ऑयल अच्छे से पूरी कढ़ाई पे चिपक जाए और हमारा पास्ता इस पे स्टिक ना हो। तो प्याज को बस हल्का सा हमें फ्राई करना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर प्यूरी। आप चाहें तो और टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टैंगी टेस्ट पसंद है। तो मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसे टमाटर को पका लेंगे। अब टमाटर अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने वेजिटेबल्स कट की थी। तो मैंने यहाँ पे लिया है बीन्स, गाजर, स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च भी ली थी, वो हम इसे बाद में डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 सैशे हम डालेंगे मैजिक मसाला, जो मैगी का मिलता है। बहुत आसानी से ये किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम ढक के हम पका लेंगे। तो सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक ही इसे हमें पकाना है। तो अभी अच्छे से पक गई हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसमें लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी। दो बड़े चम्मच डालेंगे टमाटो केचप, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच मैं रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इससे पास्ता थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। अगर आपके बच्चे स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे मत डालिएगा। बस 1 मिनट तक इसे हमें पकाना है बिना ढके। तो ये पक चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ उबला हुआ पास्ता। अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है और इसे हमें थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना है ताकि सभी चीज़ें, जो सॉसेज हमने, मसाले हमने डाले हैं, वो पास्ता में अच्छे से मिल जाएं। तो आप देख सकते हैं पास्ता एकदम तैयार है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पास्ता बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।